आजि साहसी पिलांक सहित कथा होउचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेतांक सहित वर्चुअल रे चालीछे मीटिंग प्रदान करिबे डिजिटल सर्टिफिकेट। हम भी सुनने के लिए चले गए और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयां गा रहती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पर बैठे बैठे, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत 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 साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जो इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपके आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पुण्य धरती से अब आपको डिजिटली ले जाना चाहेंगे कर्नाटका, जहां पर आपसे संवाद करने के लिए आतुर हैं कुमारी रिमोना इवेट परेरा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेमोना जी, आपने जी 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जी, आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है। जी, तो कैसी कैसी कठिनाई आई है कुछ बता सकती हो आप, कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है और प्लस हम लोग 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था और बट फिर भी मामा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया और मेरे को डांस फील्ड में ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूं। आप कितनी भाग्यवान है कि मां ने अपने जीवन में जो संकट आया
उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो, ये सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के। तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, एक बेटी का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके मां के त्याग और मां की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी, उनका नाम है पूहबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए। सर मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है, एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज है जिसके लिए मैंने एक GUI बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो जो COVID-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि COVID-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये GUI इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहां पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज से आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को भी। ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया अगर था। अगर उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ
कि वो बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्टअप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा आप ये सारा काम करती हो? हाँ सर। तो तुम्हारे स्कूल का ही एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर सभी का ही है, स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है।